डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब मानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो देखो, हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़े थे आर दूरी पर, ये होता था के क्यू बटे में आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के कारण हमने आर दूरी पर विभव पढ़ा था, ये होता था के क्यू बटे में स्मॉल आर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की जो पॉसिबिलिटी है काफी होती है। तो समझते हैं इसको क्या है रिलेशन दोनों में। तो हम मान लेते हैं यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, तो ये कैपिटल ई कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं जो बिल्कुल पास पास हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिल्कुल क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत पास हैं। डायग्राम में थोड़ा दूर दूर बनाए हैं, बट रिलेटिव में बिल्कुल पास पास हैं दोनों बिंदु, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से और ए बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, एकांक धन आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो वो ए बिंदु पर विभव होगा, और अनंत से और यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वो बी बिंदु पर विभव होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं, देखो तो रियलिटी में ये दोनों बिंदु बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए इन दोनों का जो विभव है वो लगभग सेम ही होगा, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को रखते हैं। जैसे ही इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को हम यहाँ पर रखेंगे तो इसके ऊपर ही विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा इस दिशा में, तो इसके ऊपर इधर बल लगेगा क्यू नोट इंटू ई, क्लियर है भाई। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू नोट आवेश को इस विद्युत बल के विरुद्ध यहाँ तक विस्थापित करते हैं डी आर दूरी तक। मान लो दोनों बिंदु के बीच की दूरी डी आर है, तो इस बिंदु आवेश को हम यहाँ से और यहाँ तक लाएंगे तो हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य होगा वो हो जाएगा, देखो तो कार्य का फॉर्मूला होता है एफ डी आर कोस थीटा, बल और विस्थापन और उनके दोनों के बीच का कोण। तो देखो यहाँ पर जो बल है वो इधर है, विस्थापन जो है कण का वो इधर है, तो दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा थीटा, उसकी वैल्यू 180 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो थीटा 180 हो जाएगा, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो कार्य का जो फॉर्मूला है यह जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर, एफ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्यू नोट इंटू ई और इंटू डी आर, तो ये कार्य हो गया। अब विद्युत विभव की देखो परिभाषा होती थी, विद्युत विभव की परिभाषा से कि परिभाषा से देखो विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता था W अपॉन में क्यू नॉट, क्लियर है भाई। तो इस W की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर अपॉन में क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो रिलेशन आ जाता है अपना V इक्वल्स टू माइनस ए इंटू डी आर। तो ये संबंध होता है विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में। अच्छा, इसको हम इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, तो यहां से E बराबर हो जाएगा, देखो तो यहां से देखो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर हम इस बिंदु इसको अगर आवेश को हम यहां से यहां तक ले जाएंगे तो ये इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभांतर आएगा ना कि विभव, तो विभांतर दोनों का बहुत कम होगा, इसलिए हम उसको डीवी लिख देते हैं, दोनों के बीच का जो विभांतर है, और विभांतर का फॉर्मूला भी यही होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे विभांतर को हम लिख देंगे डीवी से, तो जाएगा डीवी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ से ई इक्वल्स टू हो जाएगा, इस डी आर की तरह ले जाओ तो हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो ये संबंध होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में, क्लियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र की अगर हम मात्रक की बात करें तो विभवांतर या विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का होता है मीटर। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकल कर आती है वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट होती थी विद्युत क्षेत्र की, एक हमने पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट में न्यूटन पर कूलाम और दूसरी है वोल्ट पर मीटर, वो इसी रिलेशन से निकल कर आती है। अच्छा अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है वो अपने को ये दर्शाता है कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव का मान घटेगा। मतलब क्या, इधर देखो तो यहाँ पर देखो अगर मान लो एक कोई बिंदु आवेश है Q, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता था वो ऐसे होता था, इधर भी होगा इधर इधर सभी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर विभव ज्यादा होता था, फिर विभव यहाँ पे कम होगा, फिर कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम जाते हैं तो विभव का मान कम होता जाता है। तो ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शा रहा है अपने को यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको लिख लेते हैं हम। नोट डाल के लिख लेना इसको, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत विभव का मान घटता है। क्लियर है भाई? तो ये है नेगेटिव साइन का मीनिंग। अब देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो इसको हम सदिश रूप में देखो किस टाइप से लिखते हैं। और विभव है वो एक अदिश राशि है, तो इसको देखो सदिश रूप में किस टाइप से हम लिखेंगे। तो इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, सदिश रूप हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीआर इनटू आर कैप, या फिर इसको एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं, ये उल्टा त्रिभुज का साइन होता है जिसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर इनटू वी। क्लियर है भाई? तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे डेल वेक्टर। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कई एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई डेल ऑपरेटर के सॉरी डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, इसकी जो वैल्यू आती है ये होती है जहां ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, इधर जेड हो जाएगा। तो जेड दिशा में जो इकाई सदिश लेते हैं वो के कैप होता है, तो ये हो जाता है अपना डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। क्लियर है भाई? इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब इसी को देखो थोड़ा सा आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र अगर हम तीनों डायमेंशन की बात करें एक्स वाई और जेड, तो उसमें हमें एक्स डायरेक्शन में निकालना होगा तो ये अप्लाई कर लेंगे, वाई में निकालना है केवल तो ये कर लेंगे, जेड में निकालना है तो केवल ये कर लेंगे। अगर तीनों दिशाओं में है विद्युत क्षेत्र एक्स वाई जेड, तो हम ये वाला डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये पुट करेंगे एक्स वाई और जेड तीनों की फॉर्म में। क्लियर है भाई? ओके अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे हम लिख लेते हैं। तो यहां से देखो ई वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये नेगेटिव इनटू डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस सॉरी डेल वाई
प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इनटू वी। क्लियर है भाई? एक चीज और ध्यान रखना, इस डेल को हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन, डेल अपॉन डेल एक्स को बोलेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल अपॉन डेल वाई को बोलेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे ही डेल अपॉन डेल जेड को बोलेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर है? पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको भी अभी हम समझेंगे, तो इसको हम आगे और लिख देते हैं लाइक दिस, तो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी, वी सबसे मल्टीप्लाई होगा आई कैप, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कैप माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी के कैप। तो देखो ये तो हो जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स, क्या होता है भाई, देखो डीवी अपॉन डी आर होता था ई, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स, हो जाएगा एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र ई एक्स आई कैप, ये हो जाएगा ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। कहानी समझ आ रही है? नेगेटिव साइन ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन इसमें भी आता है, इसकी जगह हमने ई एक्स रख दिया है, इसकी जगह हमने ई वाई रख दिया है, और इसकी जगह हमने ई जेड रख दिया है, तो ये होता है ई वेक्टर। एक्स डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र, वाई में और जेड में तीनों के सदिश योग कर देंगे तीनों विद्युत क्षेत्र का, तो अपना टोटल विद्युत क्षेत्र यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, ई वाई की वैल्यू ये पुट करनी है, ई जेड की वैल्यू ये पुट करनी है, तो इक्वेशन में अपने से पूछा जाएगा इस टाइप से। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर ये पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो किस टाइप से करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मान लो अपने को y इक्वल्स टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस या 2x स्क्वायर y, अगर अपने से पूछता है डेल अपॉन डेल x y, मतलब y का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या होगा यहाँ पर, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब अवकलन करते हैं, तो उस केस में x के अलावा जो भी राशियां हैं सबको हम नियत मान लेंगे, तो देखो डेल अपॉन डेल x y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू y, तो x के सापेक्ष में जब हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन मतलब आंशिक अवकलन, तो x के अलावा जो भी राशियां सबको नियत मान लेंगे, देखो दो तो नियत होता ही है, y को भी हम नियत मान लेंगे, तो नियत राशियां अवकलन से बाहर आ जाएंगी, तो हो जाएगी 2y डेल अपॉन डेल x x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अवकलन अपने को करना आता है, x स्क्वायर का अवकलन हो जाता है 2x, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लो अपने को दे रखा है y इक्वल्स टू ये, अब अपने से पूछ लेता है कि इसका अपने को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, सॉरी इसको कुछ और लिख लो क्वांटिटी लाइक z लिख लो इसको, तो डेल अपॉन डेल z अपने को फाइंड आउट करना है, तो z की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर अपने को डेल z अपॉन डेल y पूछता है मतलब y के सापेक्ष में पार्शियली डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन करना है, तो अब y के अलावा सबको हम क्या मान लेंगे नियत, तो 2x स्क्वायर यहां पर नियत हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2x स्क्वायर डेल अपॉन डेल y, z की वैल्यू 2x स्क्वायर इंटू y है, तो 2x स्क्वायर बाहर आ गया।